ठीक, तो ह्यूमन आई के अंदर पहला डिफेक्ट जो हमने किया था मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें इमेज नॉर्मल आई की इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज रेटिना पे बनती है। डिफेक्टिव आई के केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज रेटिना पे नहीं बनती, उससे पहले बनती है। तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट, फार पॉइंट का मतलब कितनी दूरी का ऑब्जेक्ट वो देख सकता है उसको फार पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट को देख सकता है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, उसको ब्लर दिखेगी। लेकिन अगर वो इसको देखता है तो उसको इमेज सही जगह पे नज़र आती है। पर उसको देखना क्या है, आई डिफेक्टिव है, देखना ऑब्जेक्ट किसको है, जहाँ जो कहाँ पर पड़ा हुआ है एट इन्फिनिटी, तो वो एक जो चश्मा लगाएगा इसमें कनकेव लेंस होगा। कनकेव क्या करेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, कनकेव डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग अपनी इमेज बनाएगा इस एफ पॉइंट पर, और इस डिफेक्टिव आई को लगेगा कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है एफ पे, ताकि वो इमेज कहाँ पर बनाएगा एट आई पे। ठीक, तो कनकेव लेंस ये काम करेगा। तो कनकेव लेंस कर क्या रहा है, कनकेव लेंस इन्फिनिटी पे आते हुए रेज को यहाँ पे फोकस कर रहा है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं। तो जो आई का फार पॉइंट होगा वो इस कनकेव लेंस का फोकस भी होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें यू इन्फिनिटी है लेंस के लिए तो न्यूमेरिकल लेंस पे आएगा, यू अगर इन्फिनिटी है तो वी मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स का मतलब फार पॉइंट है, और इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे 1/∞, 0, आपके पास एफ माइनस एक्स आएगा। तो मेरे हिसाब से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद करें कि जो भी फार पॉइंट होगा वही इस लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू होगी, एक ही बात है। तो सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस लेंस की अगर फोकल लेंथ पे चीज़ पड़ी होगी तो केस वही है कि यू आर लुकिंग टू एन ऑब्जेक्ट जहाँ से रेज कहाँ से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ताकि फोकस पे ही फोकस होगा। तो इसकी फोकल लेंथ और लेंस का फार पॉइंट वन एंड दी सेम थिंग। फिर दूसरा डिफेक्ट था जिसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस एंड करेक्शन। तो जो नॉर्मल आई है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो 25 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है उसकी क्लियर इमेज बनाती है रेटिना पे। डिफेक्टिव आई क्या करती है, 25 सेंटीमीटर पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट का की जो इमेज है वो यहाँ पे नहीं बनाती, वो यहाँ पे बनाती है, तो ब्लर दिखती है अगेन। तो इसको ठीक करने के लिए पहला तरीका, आप किताब को ही दूर रखें 25 सेंटीमीटर से, जब आप दूर करेंगे तो इमेज यहाँ पर बन जाएगी, पर पढ़ने वाला किताब को 25 पे ही रखना चाहता है नॉर्मल डिस्टेंस पे, तो क्या बताया था, वो एक लेंस रख लेगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि आप अपनी बुक को 25 पे ही रखें, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा एन डैश पे। तो एन डैश का मतलब जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से दूर, ताकि जो इमेज है वो करेक्ट बन जाए। तो इस एन डैश को बोलते हैं नियर पॉइंट। तो ये इसका नियर पॉइंट है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट 25 से ज़्यादा होता है। तो हमें ये अपीयर करवाना है इस लेंस को कि ऑब्जेक्ट 25 पे नहीं है, 25 से दूर है। तो कन्वेक्स लेंस ये काम करेगा और इमेज को 25 से दूर बनाएगा, ताकि डिफेक्टिव आई इमेज को यहाँ बना देगी। तो इस लेंस के लिए क्या किया, इस लेंस ने ऑब्जेक्ट यू इज इक्वल टू -25 की इमेज मान लो वाई डिस्टेंस पे बनाई, -y पे, तो यहाँ से यू की वैल्यू है -25, यानी कि -d, वी की वैल्यू है -y, फोकल लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो इसके अंदर कन्वेक्स लेंस लगेगा, ये हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर पहला न्यूमेरिकल है, इसको प्लीज रीड करें। व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव फॉर अ पर्सन हुम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए उस चश्मे की, स्पेक्टिकल्स की, फॉर अ पर्सन, उस पर्सन के लिए हुम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50। अब देखो, लीज डिस्टेंस का मतलब वो जो डिफेक्टिव आई है वो किताब को ना 50 सेंटीमीटर पे रीड कर पाता है, पर रखना कहाँ जाता है, 25 पे। तो ऑब्वियसली ये गिवन नहीं होगा 25, तो ऑब्जेक्ट को 25 पे रखेंगे -25, लेकिन उसका लीज डिस्टेंस क्या है, 50। तो ये लेंस क्या करेगा, 25 पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पर बनाएगा, 50 पे, और फोकल लेंथ निकलेगी प्लस में आएगी, प्लस में आनी भी चाहिए बिकॉज कन्वेक्स लेंस लगा, कन्वेक्स की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि उस आई का जो लीज डिस्टेंस है 50 है, यानी कि उसका नियर पॉइंट
25 नहीं है, उसका नियर पॉइंट 50 है, और नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट देखो प्लीज। क्वेश्चन है अ पर्सन वेयर ग्लास या ग्लासेस ऑफ पावर गिवन, तो चश्मा पहन रहा है, चश्मे की फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। पावर अगर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। कन्वेक्स है कि कनकेव है? कनकेव है। कनकेव का मतलब दूर की नजर सही नहीं है, तो इस केस में वो कह रहा है पर्सन इज फार साइटेड और नियर साइटेड, तो ऑब्वियसली पर्सन इज कनकेव लेंस है तो नियर साइटेडनेस है। ठीक, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन विदाउट ग्लासेस, तो उसका फार पॉइंट क्या होगा? तो अब एक चीज देखो, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 40 है। अभी भी क्या डिस्कस किया था कि जो उस लेंस की फोकल लेंथ होती है वही आई का क्या होता है? फार पॉइंट होता है। फोकल लेंथ कितनी है? 40, तो फार पॉइंट भी क्या आएगा? 40। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे केस में सीधा आंसर लिखा जा सकता है कितना? 40। अभी डिस्कस किया था हमने, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। सॉल्व करने सॉल्व भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू को इन्फिनिटी लेके सॉल्व करोगे, पर जरूरत नहीं है। जो भी नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, कनकेव की प्रॉब्लम है, उसमें फार पॉइंट और फोकल लेंथ वन एंड दी सेम थिंग। इस क्वेश्चन को देखो प्लीज। देखो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80, तो फार पॉइंट कितना है उसका? 80। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो जब भी कनकेव की प्रॉब्लम आएगी, फार पॉइंट की प्रॉब्लम आएगी, तो जो उसका फार पॉइंट होगा वही उसकी फोकल लेंथ भी होगी, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि इसमें फार पॉइंट 40 है, इसका मतलब इसमें फोकल लेंथ भी कितनी है? नहीं, इसमें फार पॉइंट कितना है? 80 है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी 80 सेंटीमीटर है, तो एक चीज तो आई गई। और पावर क्या होता है? 1/4, तो यहां से पावर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या क्वेश्चन है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर, ये इसका नियर पॉइंट है। साफ पता लग रहा है कि ये आई डिफेक्टिव है, क्योंकि नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई का वो क्या होता है 25, इसका कितना है 75, तो ये किताब को 75 सेंटीमीटर पे दूर पे रखेगा तो जाके इसकी इमेज सही बनती है, पर रखना कहाँ चाहता होगा 25 पे नॉर्मल आई की तरह। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू रीड क्लियरली अ बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो ऑब्वियसली अगर पास की नज़र नहीं सही तो जो ऑब्जेक्ट को रखना चाहता है वो 25 पे रखना चाहता है, तो यू तो -25, उसकी इमेज आई के हिसाब से कहाँ बननी चाहिए 75, क्योंकि आई को लगना चाहिए कि 75 पे बुक पड़ी हुई है तभी वो सही इमेज बनाएगी, पर रखेगा एक्चुअल में रखेगा कितने डिस्टेंस पे 25 पे। तो लगाओ फॉर्मूला और फोकल लेंथ की वैल्यू निकालो, फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि लेंस की नेचर इसमें कन्वेक्स होगी, ठीक, और पावर के लिए 1/ फोकल लेंथ डायप्टर में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई की प्रॉब्लम्स क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट शीट नंबर 117 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों चीज़ें की थी। माइक्रोस्कोप के अंदर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों किया था। तो मैंने शीट में सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख दिए फिर उसके न्यूमेरिकल, तो मतलब जो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा पहले फॉर्मूलाज फिर उसके न्यूमेरिकल, ताकि याद करना ईजी होगा। देखो हमने ये किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर इमेज कहाँ पर बनती है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखते थे 1+d/f, और d हम कहाँ चाहते हैं क्या हो 25 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आई के लिए d शुड बी 25 सेंटीमीटर। जब इमेज कहाँ पर बनती है एट इन्फिनिटी, तो हमने किए थे दो केस, अगर इमेज नॉर्मल डिस्टेंस पे बनती है तो ये मैग्नीफाइंग पावर है, और अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो ये मैग्नीफाइंग पावर है। वेयर d डैश का मतलब क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट और लेंस की दूरी थी वो डी डैश था। ये दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, इसके बेस पे पहला न्यूमेरिकल। थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो वो कह रहे हैं नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का मतलब कि वो इमेज का, यानी कि नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई है तो फिर उसके इसमें नॉर्मल का केस करेंगे, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें पता है, तो m इज इक्वल टू 1+d/f। अगर वैसे भी कुछ ना गिवन हो ना सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो मैग्नीफाइंग पावर का यही फॉर्मूला यूज करना, अगर वो वर्ड यूज करता है कि इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, फिर यूज करना d/f, अदरवाइज ऐसे ही चलने देना। तो 1+d/f आपका 6 आंसर आएगा मैग्नीफाइंग पावर। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आता होता है इन्फिनिटी वाले केस का,
simple microscope is rated 5x for a normal relaxed eye. एक important इसमें point ये है कि जब भी वो relaxed eye बोलेगा, इसका मतलब image is formed at infinity का case है. ये याद रखना. वो ये नहीं कहेगा image is formed at infinity. वो कहेगा relaxed eye. ठीक. अब वो क्या कह रहा है? दो केस हैं इसमें. पहला केस सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, यानी कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, पांच गुना ज्यादा बड़ी इमेज दिखाता है. फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई. नॉर्मल रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब वो इमेज को कहां देखना चाहता है? एट 25 सेंटीमीटर पे. ये पहला केस है. इमेज मतलब कि वैसे तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, पर नॉर्मल आई जो होती है उसका लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 25. तो ऑब्जेक्ट को वो कहां रखेगा? 25 पे. तो उस केस में मैग्नीफिकेशन 5 है. तो आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला 1+d/f यूज ना करें, इंफिनिटी वाला यूज करें. रिलैक्स्ड आई है तो d/f से फोकल लेंथ आ जाएगी 5. तो फोकल लेंथ निकालने के लिए काम आ गया. फिर अगले स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, फिर बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी. अब सेकंड केस है, पहले में गिवन है मैग्नीफाइंग पावर 5. अब कह रहे हैं फिर से मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी फॉर रिलैक्स्ड आई अगेन, यानी कि इमेज इज अगेन फॉर्मड एट इंफिनिटी, लेकिन जिसका नियर पॉइंट 40 है. डिफेक्टिव आई है क्योंकि नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है? 25. ये नियर पॉइंट कितना है? 40. तो इस केस में रिलैक्स्ड फिर से सेम केस करेंगे, फिर मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, पर अब 25 की जगह 40. लेंस तो वही है, फोकल लेंथ पुराने वाली यूज करेंगे. कितनी? 5, जो ऊपर से हमने निकाली. तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी? 8 आएगी. तो दो केस हैं, पहले नॉर्मल आई के लिए करेंगे 25 सेंटीमीटर के लिए ताकि फोकल लेंथ आ जाए, फिर उसके बाद डिफेक्टिव आई के लिए करेंगे जिसकी जो है लीस्ट डिस्टेंस कितना है? 40 है. तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर अब 8 हो जाएगी. ठीक है, यहां तक. इस क्वेश्चन को रीड करें. देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या देना है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25. तो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का 6.25 इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास. इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 एंड लेंस इज प्लेस्ड क्लोजर टू द आई. अब लेंस को क्लोजर टू द आई रखा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. है तो सिंपल एक कन्वेक्स लेंस ना, तो यू इस केस में हमने निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. हम देखना कहां चाहते हैं इमेज को? लीस्ट डिस्टेंस पे, -25 पे. फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस है. वैसे भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कन्वेक्स से ही बनते हैं, कॉनकेव तो यूज भी नहीं कर रहे.
तो लेंस का फॉर्मूला यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो एक आंसर तो यू निकालने का था. इसी के अंदर सेकेंड पार्ट एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालो. तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, एम इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ. तो डी पता है, एफ पता है आंसर. फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है फाइंड मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी में इमेज बनती है तो फॉर्मूला वन प्लस डी बाई एफ नहीं होता, क्या होता है, डी बाई एफ होता है. तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आंसर. नेक्स्ट
देखो अ मैन विद नॉर्मल आई दैट इज नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो वो एक छोटे से प्रिंट को देखना चाहता है. कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर उसने यूज की. व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्दस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास. अब देखो ना क्लोजेस्ट और फार्दस्ट क्या होगा, वो तो एक ही जगह देखेगा जहां देखेगा. तो आपने दो केस बनाने हैं. अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है तो यू निकाल लें. वो चाहता है कि वी कहां पर दिखे एट 25 सेंटीमीटर कम से कम. तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर यानी कि लीस्ट डिस्टेंस होगा. फोकल लेंथ पता है तो यू कैन बी कैलकुलेटेड. ये पहला केस है. तो पहला केस तो होगा क्लियर. लेकिन जब फार्दस्ट डिस्टेंस आएगा याद रखना तो वो अपनी कॉपी को 25 से दूर रखेगा और दूर और दूर और दूर. बहुत दूर को इन्फिनिटी लिखा जाता है वैसे. तो इमेज वो कहां देखना चाहता है एट इन्फिनिटी. जितना दूर देख सकता है वो इन्फिनिटी ही होगा एज कम्पेयर टू 25 सेंटीमीटर. तो इसमें आपको यू फिर से निकालना है. फोकल लेंथ रिमेन सेम तो वी कैन यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. लेकिन याद रखना सेकेंड केस में आपने क्या लेना है वी को इन्फिनिटी. तो इस केस में जो नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या यूज करना है. फॉर्मूला यूज करना है मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू एम नॉट इनटू एम ए. तो दो लेंस यूज होते हैं. टोटल मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस का मल्टीप्लीकेशन होता है. और उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी मैग्नीफिकेशन होती है वी ओ बाई यू ओ. और आई पीस की क्या होती है 1 प्लस डी बाई एफ ई. वैसे माइनस साइन भी आता है, माइनस लगाना है माइनस लगा लो. फिर एक इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट भी किया था. अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या किया था कि जो ऑब्जेक्टिव है उसकी जो इमेज बनती है वो ऑलमोस्ट एल के ऊपर बनती है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट फोकल लेंथ पे पड़ता है. तो ये दोनों फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं जब इमेज डी पे बनती है. लेकिन अगर इमेज डी की जगह इन्फिनिटी पे बनती है तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 1 हटा देंगे तो ये टर्म आएगी. माइनस लगाना है माइनस लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ. नॉर्मली बुक्स ये बोलती हैं कि ये फॉर्मूला याद करो, इसमें वैल्यूज पुट करते हुए पुट कर देना v को l, u को माइनस एफ नॉट. तो यहां साइन कन्वेंशन यूज किए या नहीं की जस्ट बताने के लिए कि यहां पर वैल्यूज पुट की तो विद साइन कन्वेंशन हमने पुट कर लिया. तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किए थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में. इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखो. कंपाउंड माइक्रोस्कोप है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. तो जो ऑब्जेक्टिव है एफ नॉट गिवन है एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर आई पीस का भी गिवन है एंड ट्यूब की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है. तो ट्यूब की लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, एल गिवन है. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप निकालो. अगर फाइनल इमेज कहां पर बनती है नियर पॉइंट ऑफ आई. अब नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर. ठीक. तो जब जो फाइनल इमेज है अगर वो नियर पॉइंट पे है, इन्फिनिटी पे तो नहीं है, नियर पॉइंट पे है यानी कि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे है. तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला भी किया था हमने. चाहो तो माइनस लगा सकते हो साथ में. माइनस नहीं लगाया मैंने. माइनस लगा दो. एल पता है, एफ नॉट पता है, डी पता है, एफ ई पता है. माइनस साइन क्या शो करेगा? माइनस 270 की इमेज क्या बन रही है? इन्वर्टेड. और माइक्रोस्कोप में वाकई इन्वर्टेड इमेज बनती है. तो लगाना है हर जगह, माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इस क्वेश्चन को देखो.
यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेस, तो दो कन्वेक्स लेंस है, दो कन्वर्जिंग लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एफ नॉट पता है, एफ ई पता है. इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, तो ठीक है मैग्निफिकेशन 30 है, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, आपको एल निकालना है. तो सारा कुछ तो गिवन है इसमें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं. अगर आप यहाँ पर माइनस ले रहे हैं तो फिर माइनस 30 लगाना, ताकि माइनस माइनस कैंसल. नहीं ले रहे तो फिर यहाँ मत लगाना. तो 30 एल निकालना है, बाकी सारी टर्म्स डी पता है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे इमेज बननी चाहिए. आईपीस की फोकल लेंथ पता है, तो एल कैन बी कैलकुलेटेड. एल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट, देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20. तो लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब दोनों लेंस के बीच में दूरी कितनी है, 20 एल गिवन है. कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, और डी ले सकते हो 25. यानी कि इन्फिनिटी वाला केस हमने क्लास में डिस्कस किया था. ये डायग्राम था, इस डायग्राम में क्या था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहां बनती है, और ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है FE, ताकि इमेज कहां पर आए, एट इन्फिनिटी. तो इट मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, एफ नॉट, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, एफ ई, और एफ नॉट प्लस एफ ई की वैल्यू क्या है, एल, और एफ नॉट प्लस एफ ई का मतलब कितने सेंटीमीटर है, एल कितना है, 20 सेंटीमीटर. यानी कि एफ ओ क्या हुआ या एफ नॉट क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या हुई, एल में से एफ ई को क्या कर दें, माइनस. एल कितना है, 20. आईपीस की जो वैल्यू गिवन है फोकल लेंथ की कितनी है, 5. तो यहां से क्या आ जाएगा, इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा, इमेज मींस ये इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा. रादर मैं गलती से एफ नॉट बोल गया, इट शुड बी वी नॉट, वी नॉट, क्योंकि इसके लिए वी नॉट है, एफ नॉट नहीं है, एफ नॉट तो ये रहा. तो मैं रिपीट करता हूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस है वी नॉट, यहां से यहां का डिस्टेंस है एफ ई, ताकि इन्फिनिटी बन रही है. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, वी नॉट प्लस एफ ई, और V0 प्लस FE की वैल्यू कितनी है इस केस में, 20. तो इसलिए जो V0 की वैल्यू आएगी वो L माइनस क्या आएगा, FE 15. ठीक है यहां तक. तो आपको इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्टेंस पता लग गया कितना है, कोई डाउट इसमें. मुझे क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इसकी. ये ना पेज उल्टा लगा हुआ है कुछ, तो इसकी जगह नेक्स्ट पेज है, वो पेज का सीक्वेंस गलत है, इसके बाद ये वाला पेज है. तो जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज का डिस्टेंस कितना है, प्लस 15 जो अभी हमने निकाला. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है. तो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया. तो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता लग गया माइनस 15 बाय 14 सेंटीमीटर. पर हमने क्या निकालना है, टोटल मैग्नीफाइंग पावर.
फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, वैसे भी माइनस साइन भी होता था इसमें, लगाना है लगा लो, नहीं लगाना कोई बात नहीं, एंड में इसको इन्वर्टेड लिख देंगे। तो वी नॉट ऑब्जेक्टिव से हमने निकाला डिस्टेंस कितना था इमेज का 15, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 15/14, और डी कितना है 25 और एफ ई कितना है 5। माइनस लगाना है माइनस लगा लो, माइनस साइन ये शो करता है कि इन्वर्टेड इमेज है, तो 70 टाइम्स मैग्निफिकेशन इसमें प्रोड्यूस होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, और टोटल मैग्नीफिकेशन जो एम होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, एम नॉट इनटू एम ए। तो टोटल मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है 20, एंड वाइल दैट प्रोड्यूस बाय आईपीस अलोन इज 5, तो आईपीस की कितनी है 5। तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि टोटल मैग्नीफिकेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस की मैग्नीफिकेशन, तो आपको ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्या पता लगेगी, टोटल अपॉन एम ई डिवाइड करोगे तो 4, तब आपको आईपीस की मैग्नीफिकेशन पता लग गई, आपको ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन भी पता लग गई। अब वो कह रहे हैं व्हेन अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टन ऑब्जेक्ट, वो माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोकस किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 14, तो जो डिस्टेंस है किसका किसका, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना है 14, तो टोटल दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस एल कितना है 14. Find focal length of objective and eyepiece, अगर distance of distinct vision कितना है 20, तो आपको इसमें दोनों की focal length individual निकालनी है, क्या है, एक तो answer आ ही गया eyepiece का, हमें अब objective का निकालना है, finite distance पे है ये astronomical, infinity वाला case नहीं है, तो जिसमें d given है, d जिसका मतलब कि हम इसमें क्यों कैसे use करेंगे मैं आपको बताता हूँ, कि आपको इसमें एक आंसर तो पता लग चुका है कि ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन 4 है, हमने फोकल लेंथ निकालनी है, तो एक काम करते हैं आईपीस जो है अगर अलग से सॉल्व करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये हमने किया ऑब्जेक्टिव के साथ वो कंपाउंड बन जाता है, अदरवाइज तो सिंपल है, और वैसे भी टोटल मैग्निफिकेशन जो हमने की थी वो क्या की थी, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इंटू आईपीस की मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन क्या होती थी, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन होती थी वी नॉट बाई यू नॉट, और आईपीस की क्या होती थी ये होती थी, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आती थी टोटल, तो देखा जाए तो वो दो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हमने इकट्ठा किया था, तो इसमें सिर्फ आईपीस की मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला, आईपीस की मैग्निफिकेशन कितनी है इसमें 5 जो हमने ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है 20, तो यहां से फोकल लेंथ आईपीस की आ जाएगी जो कि 5 आएगी, तो आईपीस आईपीस की मैग्निफिकेशन अलग से सॉल्व करके आईपीस की फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। अब आईपीस की जो मैग्निफिकेशन है उसका निकालने का एक और तरीका है कि इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये तो है ही है तरीका, पर एक और तरीका है इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब मैग्निफिकेशन कितनी गिवन है 5, अब अगर आप याद करो तो आईपीस जो आईपीस बड़ा लेंस होता था उसके लिए वी की वैल्यू क्या होती थी, वी की वी ई कितना है, वी ई का मतलब कि जहां पर आपको इसकी इमेज दिख रही है, और आपको डी कितना गिवन है इस क्वेश्चन 25 नहीं गिवन, डी कितना गिवन है 20, डी 20 का मतलब है कि आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां दिखनी चाहिए 20 सेंटीमीटर पे, तो डी की वैल्यू को हम इमेज का डिस्टेंस मानते हैं कितना 20,
और डिवाइडेड बाय यूई, माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ से यूई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कहने का मतलब है कि अगर ये आपके पास एक लेंस है, ये आपके पास छोटा लेंस है, बड़ा लेंस है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से ये फाइनल इमेज थी। ये फाइनल इमेज कहाँ पर आई थी? डी पे। इसमें डी कितना गिवन है? 20। और ये क्या था? इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं? यूई। यूई तो इसकी मैग्निफिकेशन इज डी डिवाइडेड बाई यूई, डी नेगेटिव में है, माइनस 20 बाई यूई, तो यहां से यूई कैन बी कैलकुलेटेड। क्यों निकाला यूई? क्योंकि हमारे जो माइक्रोस्कोप है, हमारे माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, हमारे इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए और ये इसके लिए इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना था ये कितने डिस्टेंस पे बना था? यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना है? वी ओ। और ये डिस्टेंस कितना है? यू ई। यू ई क्यों? क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाता तो ये इसकी फोकल लेंथ पे लाई करता, एफ ई और ये कोरस्पॉन्ड करते, पर नहीं है इसमें। तो इस केस में ये आपके पास इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई, इसके इमेज का डिस्टेंस वी वी नॉट, तो टोटल लेंथ क्या होगी इस माइक्रोस्कोप की? वी नॉट प्लस यू ई। तो यू वी नॉट प्लस यू ई, टोटल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसमें कोई साइन कन्वेंशन ना पुट करें प्लीज, क्योंकि ये तो टोटल लेंथ की बात हो रही है। और इसमें से ऑब्जेक्ट यू ई कितनी दूरी पे है? मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो यानी कि वी ओ कितना होगा? 10। तो ये अगर ये 14 है, ये 14 में से अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये कितना होगा? 10। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए वी ओ की वैल्यू आ गई। क्यों निकाला? क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने ऑब्जेक्ट अगर लेंस के लिए लगाए तो वी नॉट बाई यू नॉट होता है, दैट इज इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इमेज का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या लिया करते थे? एल। और ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली कहां रखते थे? फोकल लेंथ पे विद नेगेटिव साइन लेफ्ट की तरफ। तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितनी आ गई हमारे पास? 4। ऊपर से आई थी 4, हमने निकाली थी ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन, माइनस साइन का मतलब उल्टी इमेज है। लेंथ हमें पता है टोटल 14 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो फोकल लेंथ यहां से सॉल्व करके 3.5 आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें यूई और वी नॉट से अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, एक फॉर्मूले से आंसर नहीं सॉल्व कर पा रहे इसमें। बट मेथड समझ में आ रहा है कि पहले हमने क्या किया, टोटल मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, टोटल मैग्निफिकेशन में से आईपीस की गिवन है, यहां से ऑब्जेक्टिव की निकाल ली, फिर आईपीस की मैग्निफिकेशन गिवन है, यहां से फोकल लेंथ आईपीस की आ गई, ठीक, आईपीस की फोकल लेंथ आ गई। अब मुझे मैग्निफिकेशन, मुझे फोकल लेंथ किसकी निकालनी थी? ऑब्जेक्टिव की। तो मैंने अलग फॉर्मूला लगाया ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, इसके लिए मुझे एल चाहिए था, एल मुझे गिवन है 14 सेंटीमीटर, मुझे क्या चाहिए थी? एम नॉट। एम नॉट निकालने के लिए मैंने ऊपर का फॉर्मूला यूज किया, एम नॉट मुझे पता था, यहां से फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड, पर इसके लिए मुझे वी नॉट भी चाहिए था, वी नॉट को या तो 14 ही पुट कर दो, अगर 14 पुट करते हैं फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं है मुझे। देखो अगर मैंने यहां 14 ही पुट करना है, अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने इसे, तो फिर 10 ही पुट किया, चेक करो 10 ने पुट किया, सीधा 14 पुट किया, तो ये स्टेप से मैं बच सकता हूं अगर मैं अप्रोक्सीमेशंस करता हूं, और अगर मैं एग्जैक्ट करता हूं फिर मैं यहां 14 की जगह क्या पुट करूंगा? 10 पुट करूंगा, आंसर इफेक्ट आएगा कि हम L के साथ ही काम करते हैं, तो हम L के साथ ही जाएंगे, तो वो स्टेप अगर छोड़ भी देते तो भी मेरे को लगता है चलता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम वी नॉट को हम क्या लेते हैं? हम L ले लेते हैं, तो वैसे तो 4 सेंटीमीटर का काफी फर्क है इसमें, तो मेरे हिसाब से यहां पर 10 के साथ ही होना चाहिए था, 10 के साथ आपका आंसर मार्क करना चाहिए था, आपको स्पेशल केस एक और लिख देना चाहिए था कि इफ जो जो केस है वी नॉट इज क्लोज टू L, तो फिर मैग्निफिकेशन इतने टाइम्स हो जाएगी, तो यार 10 लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए, 14 नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर ज्यादा गैप हो, अप्रोक्सीमेट फर्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, लिख सकते हो इसके अंदर आप कि आपने वी नॉट तो निकाल ही लिया है ना, ये एल नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमें ना वी नॉट नहीं पता होता, हमें एल पता होता है तो हम एल लगा देते हैं, पर यहां तो वी नॉट पता है, तो मेरे हिसाब से आप इसको लिख सकते हो माइनस माइनस 10 14 यहाँ 10 डिवाइडेड बाई
एफ नॉट, तो यहां से अलग आंसर आएगा इसका, नोट लिख सकते हो इसमें। रीजन, अब आप सोचेंगे कि मैं पेपर में क्या करूंगा, मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है उसका रीजन, क्योंकि मैंने u नॉट को क्या पुट किया, f नॉट, कि अगर यहां अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन की है, इसलिए ये ठीक है आंसर, सही है। बट अगर मुझे u नॉट गिवन होता फिर v नॉट को 10 पुट करके फिर मैं एग्जैक्ट आंसर निकालता, ये चक्कर है सारा कि वहां पर अप्रोक्सीमेशन है तो फिर ऊपर भी अप्रोक्सीमेशन के साथ कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के अंदर हमने जो फॉर्मूलास किए थे वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन एफ नॉट बाई एफ ई किया था, इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है, और टोटल लेंथ क्या होती है एफ नॉट प्लस एफ ई, और इमेज अगर लीज डिस्टेंस पे बनती है तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला था, ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं वैसे निकाल दूंगा न्यूमेरिकल में, पर यहां तक आपको याद करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला न्यूमेरिकल है इसमें, या एक न्यूमेरिकल कम आते हैं, माइक्रोस्कोप पे ज्यादा आते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन इज 100। नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है जब इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी इज 100। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज गिवन, तो एफ नॉट और एफ ई की तो का टोटल सम गिवन है 101। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस निकालो, भाई मैग्निफिकेशन तो 100 है, मैग्निफिकेशन जब इन्फिनिटी में जाते तो क्या होती थी एफ नॉट बाई एफ ई, एफ नॉट बाई एफ ई की रेशियो पता है, एफ नॉट प्लस एफ ई का सम पता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एफ नॉट और एफ ई कैन बी कैलकुलेटेड, ये तो सीधा फॉर्मूला पेस्ट है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ ऑफ 100, एफ नॉट कितना गिवन है 100। When final image is formed at least distance of distinct vision, यानी कि infinity में नहीं बन रही, least distance पे बन रही है, distance between lenses is 105। अब एक चीज देखो, अगर आपको टेलीस्कोप का डायग्राम याद है तो टेलीस्कोप में ये दो लेंस थे, ये आए, तो हम क्या करते थे कि ये इन्फिनिटी से रेज आती थी और इमेज कहां पर बनती थी, यहां पे बनती थी, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता था, ये डिस्टेंस होता था एफ नॉट के, क्योंकि फोकल लेंथ पे बनती थी। इसके लिए अगर ये फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये इमेज कहां बनाएगा इन्फिनिटी पर, उसने क्या कहा इमेज कहां पर बननी चाहिए लीज डिस्टेंस पे, इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो एफ ई नहीं होगा, वो क्या होगा यू ई, तो टोटल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगी एफ नॉट प्लस यू ई, तो एफ नॉट प्लस यू ई टोटल लेंथ आपको मैग्नीट्यूड में गिवन है 105 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेंथ समझ में आ रही है टोटल कैसे, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो एफ नॉट प्लस एफ ई, अगर नहीं बनती तो एफ नॉट प्लस यू ई, तो एफ नॉट हमें 100 गिवन है, तो यहां से यू ई कैन बी कैलकुलेटेड। अब क्या निकालना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, आई यू ई ये निकाल लिया, अभी साइन कन्वेंशन 5, और इमेज कहां पर बनाना है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आईपीस के लिए डी क्या होगा -25, वर्चुअल इमेज बनाएगा आईपीस, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूई हो जाएगा, क्योंकि इस आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट यूई है और इमेज डी है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाओ, लेंस का फॉर्मूला लगा के एफ ई कैन बी कैलकुलेटेड, फोकल लेंथ आईपीस की आ जाएगी, और फोकल लेंथ आईपीस की आ गई तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस FE by D, values put करके magnifying power can be calculated. क्या ये point clear है यहाँ तक? और optical instrument बहुत important है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से formulas याद करने और लगा के देखने हैं, तो ये पक्का करके जाना है, और जो next आपका test होगा Thursday को prism and optical instrument का subjective होगा।